जय माता दी। नवरात्र के इस पावन महीने में हिमालय की गोद में बसा हुआ और 108 शक्तिपीठों में से एक जहां माता सती की नाभि गिरी थी, जी हां, आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं माता पूर्णागिरी के दर्शन, जिन्हें पुण्यगिरी नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर शारदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे नेपाल में काली नदी भी कहते हैं। जय माता की। अब हम टनकपुर से ठुलीगाड़ पहुंच गए और यहाँ हम बस के द्वारा एक वैन लेकर पहुंचे हैं और जिसका किराया केवल मात्र 20 रुपये। और यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्णागिरी का प्रवेश द्वार है और श्रद्धालु यहाँ से पैदल ही अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। ये दूर तरक्ता का पर्वत दिखाई दे रहा है और अब हम पैदल आगे की ओर बढ़ चुके हैं और हमारे साथ जितने भी साथी हैं सब पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। और ये जो पुल है, ये ठुल्लीगाड़ गदरा है उसका पुल है और जहाँ पे हमें यात्रिक टैक्सियाँ मिल जाती हैं और जिसके माध्यम से हम पूर्णागिरी टैक्सी स्टैंड तक पहुँच जाते हैं। ये पूर्णागिरी टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पर इस समय बहुत भीड़ है, यात्रा का सीजन चल रहा है। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये यात्री माता के दर्शन करके वापसी टनकपुर जाने के लिए लाइन में लगे हैं और अपने वाहन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन बहुत ही सतर्कता के साथ अपना कार्य करता है, जिससे यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। सारे बोलो मैं नहीं सुनिया, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आगे वाले माता रानी के मंदिर में पहुंचने के लिए 7-8 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और इस पैदल रास्ते में दोनों तरफ अनेक दुकानों लगी हैं और यात्रियों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी हैं और रास्ते में विश्राम करने के लिए बहुत सारे सुविधाओं की व्यवस्था है, जिसके लिए यात्रियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, केवल यात्रियों को वहाँ से प्रसाद खरीदना पड़ता है। अब हम पूर्णागिरी के मंदिर के प्रवेश द्वार में पहुंच गए और यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर माता का मंदिर है और यहां से कुछ आगे बढ़ने पर अनेकों छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई दिए जाएंगे और चारों तरफ बाजार में टोपियां, प्रसाद और बहुत सारी सामान आप लोग खरीद सकते हैं। पैदल मार्ग के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अब हम चरण पादुका प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और यहां हम अपने साथियों के साथ रुककर हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद स्नान करने के बाद पुनः यात्रा को प्रारंभ किया। मंदिर समिति द्वारा यहाँ बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है और ये जो आपको दूर एक पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत पर ही माता पूर्णागिरी का मंदिर है और इस पर्वत का नाम अन्नपूर्णा पर्वत है, जहाँ माता की नाभि विराजमान है। और अभी यहाँ से इस मंदिर की दूरी लगभग 4 या 3 किलोमीटर के करीब है और रास्ते में माता श्री महाकाली
का मंदिर पड़ता है, जहां श्रद्धालु रुककर माता महाकाली को पूजा करते हैं, उसको प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करने के पश्चात आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब हम माता के मंदिर के लगभग करीब पहुंचने वाले और यहां से 500 मीटर की दूरी पर माता का मंदिर स्थित है और इस समय बहुत भीड़ है। यात्रा का सीजन चल रहा है और एक मेला भी का भी आयोजन किया गया है, जिसके कारण यहां हजारों की संख्या में यात्री आए हुए हैं और जो 8-7 किलोमीटर की पैदल यात्रा 1-2 घंटे में पूर्ण की जाती थी, यात्रा सीजन में और मेले के समय में उसे पूर्ण करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। और ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर माता का मंदिर स्थित है और यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर माता का मंदिर है। चलो, वीडियो बनाना वर्जित है, इसलिए अंदर का दृश्य हम नहीं दिखा सकते हैं। ये माता की मूर्ति और माता की नाभि है और यह पूर्णागिरी माता का मंदिर है। जय माता की।